वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई की ट्रेड आपको किस तरीके से भरने होते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन फॉर्म की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको किस तरीके से भरने होती है पूरे का पूरा इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट होती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, आपके फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैं क्रोम कर रहा हूँ, और वहाँ पर आपको न्यू टैब में जाना है। और वहाँ पे आपको, मैं आईटीआई महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट के अलग अलग साइट्स होती है आईटीआई की, आप पता करके उनमें भर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे DEVT, ठीक है, DEVT, और यहाँ पे डाल रहा हूँ महाराष्ट्र। ठीक है, DEVT महाराष्ट्र डालने के बाद मैं सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पे DEVT महाराष्ट्र सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कि अनाउंसमेंट होता है, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोटिस दी जाती है, जो कि आपको पढ़ना होता है। जैसे कि आज लास्ट डे है ऑप्शन फॉर्म भरने का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होने के बाद इस थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको, आप न्यू नहीं है अगर आप ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो, आप पुराने कैंडिडेट हो, इसलिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है सेकंड वाले ऑप्शन पे। उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद वेट करना है। और दोस्तों, जो आपका आईडी होता है, लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड, आपको ध्यान होना चाहिए जब आप किसी भी CSC पे भरते हो, जो फॉर्म भरते हो आईडिया का, तभी। तो मैं यहाँ पे मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने, अभी मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों, आपको कैचपा डालना होगा। आप स्मॉल लेटर भी डालोगे तो कैचपा में तो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई आपको इश्यू नहीं है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये लॉगिन हो चुका है। और हमारे नाम का जो आईटीआई में यहाँ पे जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है, देखिए मोहन हिव से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे थ्री डॉट पे फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे जाना है आपको एडमिशन एक्टिविटीज़। ठीक है, एडमिशन एक्टिविटीज़ पे क्लिक करने के बाद सबमिट चेंज ऑप्शन प्रेफरेंस, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैंने पहले से ही ट्रेड सेलेक्ट कर चुका हूँ, सिर्फ आपको इस वीडियो में बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट वाइज अगर ट्रेड सेलेक्ट करनी है तो आप इंस्टीट्यूट वाइज करिए, अगर आपको ट्रेड वाइज करनी है तो ट्रेड वाइज करिए। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको इंस्टीट्यूट टाइप, मतलब आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट चाहिए, तो मेरे को गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट डालिए, डिस्ट्रिक्ट मैं अभी डाल देता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे आपको तालुका डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जो कि उस तालुक के में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई देगी, इससे उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है जिस कॉलेज में आपको ट्रेड भरना है। और यहाँ पे देखिए सर्च, सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो उस कॉलेज में जितने भी ट्रेड अवेलेबल होते हैं उनकी जो लिस्ट यहाँ पे शो कराई जाती है, जैसे कि कारपेंटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोसेसिंग असिस्टेंट, ड्रग्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, ऐसे की बहुत सारे ट्रेड है। मतलब इस कॉलेज में ट्रेड है, 28 ट्रेड अवेलेबल है, और इस तरीके से आपको ट्रेड को ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐड टू प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, अगर आप ऐड टू प्रेफरेंस लिस्ट पर क्लिक करोगे तो वो ट्रेड ऐड हो जाएगा। ठीक है, और मुझे नहीं करना है, मैंने पहले से किया है, तो आपको इस तरीके से ऐड कर सकते हो। और आप अगर दूसरी जगह में फॉर्म भरना चाहते हो तो फिर से वही प्रोसेस है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो, और तालुका सिलेक्ट करो, और गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो, और सर्च करो, और उस स्टेट को क्लिक करो। और उसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट एंड सेव PDF पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप जनरेट एंड सेव PDF पे क्लिक करोगे तो जो आपका प्रिंट होगी वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको प्रिंट भी दिखा देता हूँ। ओपन हो जाएगा मेरा PDF के फॉर्म में। अब उस यही सिंपल मेथड है फ़ोन से भरने की। ठीक है, ये मैंने पहले से ही भरा हुआ है, सिर्फ मैंने प्रिंट निकल के आपको बताया, ये PDF वाली प्रिंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रिंट निकल जाएगी और आपको बैक आना है, और इस तरीके से आपको ट्रेड सिलेक्ट करना है। और ट्रेड सिलेक्ट होने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे जो यहाँ पे थ्री डॉट है यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, और लॉग आउट वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे ओके दबा देना है, आपका अकाउंट से लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ट्रेड का लिस्ट मोबाइल से फ्री में हो जाएगा, फ्री में दोस्तों आपको
फ्री में फिलअप हो जाएगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है और ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अच्छा लगा या आपको वीडियो में कोई कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।